मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताऊंगा व्हाट इज अ स्क्रैप पॉलिसी, स्क्रैप पॉलिसी वर्क कैसे करेगी, देन लास्ट में स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। हे देयर, आई एम रोनाल्ड लागोने, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आता हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मेरा उद्देश्य यही है, जो हमें हमारे लाइफ में पता होना चाहिए बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग ही यह चैनल है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी शुरू करते हैं। 2021 के बजट में आप अपने व्हीकल्स को यानी बाइक, कार, ट्रक्स एंड बसेस को यूज़ नहीं कर सकते 20 साल के बाद, तो आपको उसे सरकार के स्क्रैपिंग सेंटर के पास जाके बेचना पड़ेगा। मतलब सरकार के कबाड़ खाने की शॉप रहेंगे बड़े बड़े, भंगार की शॉप रहेंगी, भंगार के सेंटर रहेंगे बड़े बड़े, वहाँ पे जाके आपको बेचना पड़ेगा अपने पुराने व्हीकल्स को। दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्रैपिंग पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी प्राइवेट बाइक से एंड कार से उसकी लिमिटेशन है 20 साल, देन जो आपकी कमर्शियल व्हीकल से यानी बस एंड ट्रक्स इसकी लिमिटेशन है 15 साल। तो आपके व्हीकल्स की लिमिटेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वे अपने आप ही डी रजिस्टर हो जाएंगे। ओके, तो उससे आपको सरकार के स्क्रैपिंग सेंटर के पास जाके बेचना ही पड़ेगा, देन उसके बदले सरकार आपको उसका कुछ प्रतिशत पैसा भी देगी। बट सरकार इसके बदले आपको सर्टिफिकेट भी देगी। ओके, स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट देगी, बट मुझे पता है आप उसे घर में टंगा के तो रखोगे नहीं। ओके, बट इसका फ़ायदा ये रहेगा, अगर फ्यूचर में आप नई गाड़ी लेते हो तो उस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के वजह से आपको 15 से 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। बट ये जो डिस्काउंट है ना, अनुमानित है, श्योर नहीं है, बट डिस्काउंट पक्का मिलेगा। देखिए, ये भी जान लीजिए, अभी तक सरकार के स्क्रैपिंग सेंटर नहीं है, बट नई पॉलिसी के तहत सरकार स्क्रैपिंग सेंटर शुरू करेगी। ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार यूज़ होंगे, बिकॉज ऑटो सेक्टर में बूस्ट मिलेगा, जो हमारे पुराने व्हीकल्स रहेंगे उसको रिसाइकिल किया जाएगा, दैट्स वाई ऑटो सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। सेकेंड, एयर पोल्यूशन कम होगा, एंड देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे जैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। एंड इसके अलावा भी इसके और भी उद्देश्य थे जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सब मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, बस आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ही करना है। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, सेल्फ, बाय बाय।